माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेस डिज़ाइनिंग कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लेस ले ली है 4 मीटर, और इसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो 1.5 मीटर फैब्रिक से कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कैसे बनाऊँगी मैं इतने कम फैब्रिक से कुर्ती, तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक के देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक को इस तरह से उल्टा कर लेना है, और उल्टा करने के बाद आपको इसको डबल फोल्ड कर लेना है। और जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको आपको इस तरह से, जो नीचे वाला है वो उसको आपको छोटा करके रखना है, ये ऊपर आ रहा है इस तरह से। और जो ये अंदर वाला पार्ट है, इसको बड़ा करके रखना है। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला पार्ट हमारा छोटा है, और ये नीचे वाला इस तरह से मैंने बड़ा करके रखा है। इस तरीके से आपको बिछाना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहने वाला है। तो बैक वाले की लेंथ मैंने ले ली है 41 इंच, और फ्रंट वाले की ले ली है मैंने 30 इंच। इस तरह से 30 इंच इसकी लेंथ मैंने ले ली है, और बैक वाले की ली है 41 इंच। अब इसके बाद इसकी विड्थ जितनी रखनी है उसको मैंने इसी तरह से रख लिया है। अब इसके बाद शोल्डर को मार्क करूँगी मैं 7 इंच पे, इसके बाद आर्महोल 8 इंच। तो आर्महोल में 1 इंच कम लूँगी शोल्डर से, आप चाहो तो दोनों को सेम रख सकते हो 8 इंचेस पे ही। इसके बाद चेस्ट ले लूँगी 11 इंच पे, तो ये मैंने इसको 11 इंच पे मार्क किया। इसके बाद मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से। इसके बाद फ्रंट वाले की शेप दे दूँगी, तो अंदर को फ्रंट वाले की शेप दी है। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर लूँगी, और इसके बाद मार्क करूँगी मैं इसको इस तरह से 12 इंच पे। तो अब 6 इंच के सामने मैं इसको मार्क कर लूँगी 10 इंच पे, और जो मैंने 12 इंच पे मार्क किया है उसके सामने मैं इसको 11 इंच पे मार्क करूँगी। जितना मैंने चेस्ट से रखा है इतना ही मैं इसको यहाँ से इस तरह से मार्क कर दूँगी। इसके बाद बॉटम भी मैं ले लूँगी यहाँ पे, जो हमारा बैक वाला बॉटम को मार्क करूँगी। तो बॉटम भी हमारा रहने वाला है 11 इंच का ही, तीनों जगह से 11 इंच रखना है, स्लाइड साइड से भी और ऊपर से भी, चेस्ट से और बॉटम से भी। तो अब यहाँ पर मैं इन मार्क को इस तरह से मिला दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने इसको मार्क कर दिया इस तरह से। अब इसके बाद 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ मैं, तो आप इसको 1.5 का भी रख सकते हैं, 1.5 इंच का। तो मैं 2 इंच का रखती हूँ, तो मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है 2 इंचेस पे। तो यहीं पे मैं इसको इस तरह से कट लगा दूँगी ये। अब इसके बाद ये ऊपर वाला जो हमारा छोटा पार्ट है वो है फ्रंट वाला, और जो हमारा ये बड़ा है ये है बैक वाला। तो इस तरह से मैंने इसको टाइप कर दिया है। अब इसके बाद मैंने शोल्डर को ऊपर से डीप मार्क कर दिया है 1 इंच का। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया है मैं वहीं से कट कर दूँगी। सो इसको मैंने कट कर दिया है इस तरह से। अब इसके बाद जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है यहीं पे मैं इसको नोचिस लगा दूँगी इस तरह से। और इसके बाद जो हमारा बैक वाले पार्ट का फोल्ड में जाएगा, तो यहाँ पे भी मैंने नोचिस लगा दी है। इसके बाद शोल्डर पे भी नोचिस लगा दूँगी। तो कुर्ती यहाँ पे हमारी हो गई है कटिंग इस तरह से। अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसमें से मैं स्लीव्स को कटिंग करूँगी। तो इसको मैं हटा देती हूँ बचे हुए फैब्रिक को। अब इसके बाद मैं इसमें से बैक वाला पार्ट निकाल दूँगी, और फ्रंट वाला पार्ट हमारा ये शॉर्ट है इस तरह से। अब इसको मैं फिर से इसी तरह से फोल्ड करके बिछा लूँगी। अब इस मार्क से मैं इसको कटिंग कर दूँगी। फ्रंट वाले आर्महोल को मैंने कट कर दिया है। अब मैं स्लीव्स को कटिंग करूँगी, तो मैंने स्लीव्स का फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरह से। और स्लीव्स की लेंथ मैंने ले ली है यहाँ पर 15 इंचज़ पे, तो मैं शॉर्ट सी रखने वाली हूँ स्लीव्स। ऊपर से मैं इसको ले लूँगी 9 इंच पे, तो कुर्ती के आर्महोल से 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको 3 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से। तो ये मैंने इसको 3 इंच पे मार्क किया। अब यहीं पे मैं इसको इस तरह से मिला दूँगी। तो 3 इंच का डीप रखा है मैंने इसको साइड से। अब नीचे से मोरी ले लूँगी मैं 6 इंच पे, मोरी की विड्थ। अब दोनों मार्क को मैं इस तरह से मिला दूँगी। तो मैंने दोनों मार्क को इस तरह से मिला दिया है। अब ये हमारा मार्क रहने वाला है मार्जिन का 2 इंच का। अब इसके बाद जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहीं वहीं से कट कर दूँगी। तो ये मैंने कट कर दिया है। इसके बाद मैं इसको नोचिस लगा दूँगी यहाँ पे इस तरह से। तो ये मैंने नोचिस लगा दिया है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स हो गई है। अब इसके बाद मैंने फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है फिर से। मैं इसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। तो बीच में मैंने इसको आयरन से लाइन बना ली है। इसके बाद मैंने नेक को फैब्रिक पे सेट कर लिया है ऑलरेडी आयरन से। इसके बाद जस्टली मैं इसको बराबर बराबर से फोल्ड कर लूँगी, और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर बीच में नोचिस लगा लेती हूँ जैसे मैंने कुर्ती को लगाया है। अब इसी नोचिस पे दोनों को रखते हुए इस तरह से एक साथ कुर्ती को भी और नेक को भी इस तरह से स्टिच लगा लूँगी मैं साइडों पे पूरे राउंड को। उसके बाद मैंने इसको ये बराबर बराबर से फोल्ड कर लिया था पहले इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक बचाते हुए इसको कट कर लूँगी अंदर से। तो ये मैंने इसको कट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सा बचाया है, नोचिस भी मैंने इसको लगा दिए हैं। अब मैं इसको अंदर की साइड पर टर्न करते हुए ऊपर में स्टिचिंग लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको रख लिया है, ऊपर में स्टिच लगा लूँगी मैं इसको।
तो ये मैंने इसको स्टिच लगा ली है, कच्चा स्टिच मैंने लगाई है। मैं इसको हैंड स्टिच करूँगी नीडल की हेल्प से। अब इसके बाद मैंने इंच टेप ले लिया है, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लूँगी इस तरह से। 14 इंचेस पे मैंने इसको मार्क कर लिया है। यहाँ पे बिल्कुल बीच में मार्क करना है, जो मैंने यहाँ पे आयरन से लाइन बनाई है उसी लाइन पे मैंने मार्क स्टेट कर दिया है इस तरह से। अब इसके बाद मैंने लेस ले ली है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो लेस को मैं इस तरह से रखूँगी, इसका एक पार्ट इधर से नीचे रख लूँगी और ऊपर तक के इस तरह से मैं इसको रख लूँगी। और यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं नीचे से 3 इंच तक के आपको स्टेट रखना है इसको। इसके बाद दूसरे वाला मैं लेस का पार्ट ले लूँगी इस तरह से, और इसके बाद इधर से भी यहाँ तक के 3 इंच तक के दोनों को मिलाते हुए रखना है स्ट्रेट बिल्कुल। तो इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ 3 इंच पे, तो ये 3 इंच तक के आपको स्ट्रेट रखना है। और यहाँ से फिर आपको इस तरह से घुमाते हुए इसको स्टिच लगा देनी है, दोनों को जॉइंट कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है, नीचे से जॉइंट किया है 3 इंचज़ तक के। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा लेस है इसको मैंने कट कर दिया है। अब इसके बाद मैं बैक वाला पार्ट ले लूँगी। सो ये मैंने बैक वाला पार्ट ले लिया है। अब इसके नेक को कटिंग करूँगी मैं, तो मैं इसको अच्छे से मिला के रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को डबल फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से। तो विड्थ में फ्रंट वाले नेक के जितनी भी इसकी ले लूँगी इस तरह से, थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा 1/2 इंचज़ की जो मार्जिन में जाएगा। और लेंथ मैंने इसकी ले ली है 4 इंच, तो लेंथ मैंने इससे कम रखी है, 4 इंच की ले ली है मैंने बैक वाले की लेंथ। अब इसके बाद जहाँ पे मैंने मार्क किया है यहीं से मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। अब इसको मैं कर लूँगी ओपन, ओपन करके मैंने इसको बिछा लिया है सीधा करके। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्टिप ले ली है, इस तरह से स्टिप को मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और डबल फोल्ड करते हुए पूरे को लगा लूँगी। इसके बाद मैं इसको उल्टे की साइड पर टर्न ऑफ कर दूँगी, स्टिचिंग लगा दूँगी। तो ये मैंने इसको इस तरह से कर दिया है बैक वाले नेक हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर रख लूँगी फ्रंट वाला पार्ट, तो दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर लूँगी एक साथ, स्टिचिंग लगा दूँगी मैं इस तरह से रखते हुए। दोनों को स्टिच लगा दूँगी इधर वाले को भी, तो मैंने दोनों को स्टिच लगा दी है और उसको रख लिया है मैंने सीधा करके। इसके बाद मैं फ्रंट वाले पार्ट को डिज़ाइन करूँगी, तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा था। इसको मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ, इसके लिए यहाँ पर मैंने ले ली है इस तरह से स्टिप। तो मैंने एक प्लेन स्टिप ली है जो कि ट्राउज़र के फैब्रिक से, और इसके बाद मैंने एक प्रिंटेड वाली लाइनिंग वाली मैंने कुर्ती वाली स्टिप ले ली है। इसकी लेंथ मैंने ले ली है 6 इंच दोनों की, और विड्थ मैंने बॉटम के अकॉर्डिंग ली है। अब इसके बाद मैं जो प्लेन वाली स्टिप है उसको लगा लूँगी मैं इस तरह से, बॉटम को रखूँगी सीधा और इसके ऊपर मैं पट्टी को रख दूँगी इस तरह से स्टिप को, और स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी, एक स्टिच मैं इसकी किनारे किनारे पर लगाऊँगी। और इसके बाद जो मैंने लाइनिंग वाली पट्टी ली है कुर्ती वाली, कुर्ती के फैब्रिक की, इसको मैं इसके ऊपर रख लूँगी इस तरह से, और इसके बाद इसको भी स्टिचिंग लगा लूँगी। इसके बाद एक एक स्टिचिंग मैं इसको किनारे किनारे पे भी लगा लूँगी इस तरह से। सो इस तरह से स्टिप जॉइंट कर दी है, इसको स्टिच लगा दी है मैंने। अब इसके बाद मैं इसको नीचे में एक स्टिप और लगाऊंगी, तो मैं इसको नीचे से फोल्ड नहीं करूंगी। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे प्लेन स्टिप ले ली है, इसकी लेंथ मैंने ले ली है 4 इंचज़, और विड्थ मैंने बॉटम के अकॉर्डिंग ली है इस तरह से। अब इसके बाद मैं फिर से इसको इस तरह से रख लूँगी सीधा करके, और इसके ऊपर मैं नीचे की साइड पर रखूँगी अब की बार उल्टे की साइड पर स्टिप को, इस तरह से रखते हुए नीचे की साइड पर स्टिच लगा लूँगी। और इस तरह से रखने के बाद मैं इसको अब सीधे की साइड पर टर्न कर लूँगी इस तरह से। तो आधी स्टिप हमारी नीचे रहेगी और आधी ऊपर, ऊपर में मैं इसको किनारे किनारे पे स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद मैं इसको लेस लगाऊँगी, तो मैं इस तरह से लेस को रख लूँगी, यहाँ पे स्टिचिंग लगा दूँगी, और इसके बाद एक लेस यहाँ पे लगाऊँगी मैं इसको नीचे में। तो दो दो स्टिच लगाऊँगी लेस को, इसके बाद स्टिप भी जॉइंट कर लूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने लेस लगा दी है, और ये स्टिप भी कुछ इस तरह से आ गई है, आधी नीचे है और ये आधी ऊपर है। इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रंट वाला पार्ट हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसके बाद मैं इसमें स्लीव्स जॉइंट करूँगी और फिटिंग लगाऊँगी। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है इसको। अब इसके बाद मैं इसमें स्लीव्स जॉइंट करूँगी, तो स्लीव्स को मैंने ऑलरेडी नीचे से फोल्ड कर लिया है, तो कटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, तो इसको भी मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब इसके बाद मैं स्लीव्स को इसमें इस तरह से जॉइंट करूँगी। आप चाहो तो स्लीव्स को स्टिचिंग और कुर्ती को फिटिंग पहले लगा सकते हो, और इसको बाद में जॉइंट कर सकते हो स्लीव्स को इसमें, या फिर आप स्लीव जॉइंट करने के बाद जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आप साथ ही साथ इसकी फिटिंग लगा सकते हो दोनों की। तो इस तरह से रख लूँगी मैं इसको यहाँ पर, स्लीव्स इसमें जॉइंट करने के बाद फिटिंग लगा दूँगी मैं जहाँ तक के मार्क किया है। इसके बाद मैं बैक वाले पार्ट को फोल्ड करूँगी, बैक वाले बॉटम को फोल्ड कर लूँगी। फ्रंट वाला हमारा रेडी है, तो बैक वाले बॉटम को फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा दूँगी कच्चा। इसके बाद साइडों से इसकी स्लाइड फोल्ड कर लूँगी, इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी।
तो वन स्टेप में ये हो जाता है हमारा। इधर से भी फोल्ड कर लूँगी, इसके बाद में इसको हैंड स्टिच करूँगी नीडल की हेल्प से। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको हैंड स्टिच भी कर दी है। फ्रंट वाला बॉटम हमारा कुछ इस तरह से आया है और इसके बाद बैक वाले बॉटम को मैंने फोल्ड किया है और हैंड स्टिच की है इस तरह से। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से जूम करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप कम फैब्रिक से और लेस डिज़ाइनिंग से कुर्ती बना सकते हो बिल्कुल इजी और बहुत ही कम टाइम में। तो इस तरीके की कुर्ती बना सकते हैं आप। तो इसके साथ ही मैंने ट्राउज़र भी बनाया है डिज़ाइनिंग सा। तो इस ट्राउज़र का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वीडियो भी देख सकते हैं आप। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू डिज़ाइन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।